So let us continue with another topic, that is resistivity. Now, in the previous lectures, we saw that the resistance of the conductor depends upon four factors: length, area of cross section, temperature and material. Now, from the experiment, let us take two of these dependents. Like we can say, resistance is directly proportional to length, and we also know that resistance is inversely proportional to area of cross section. So combining both 1 and 2, I can say resistance is proportional to length upon area of cross section. अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन है, प्रोपोर्शनलिटी घटाना है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा तो कौन आएगा, इक्वालिटी आएगा, और इक्वालिटी आएगा तो एक साथ में कौन आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा. तो यहाँ पर R इज इक्वल टू रो, ये जो कॉन्स्टेंट है वो रो है, रो लेंथ अपॉन एरिया. ऐसा भी अब रो जो है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, रो इज अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. नाउ इस चीज को मैं अगर रीअरेंज करूं तो रो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, वेर आर इज रेजिस्टेंस, ए इज एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए. तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ. अब मैं आगे चल के अगर ये मान लू कि एक ऐसा वायर लेता हूं जिसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, बराबर. तो ऐसे के लिए जब मैं ये इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करूंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह 1, लेंथ की जगह भी 1, तो फॉर दैट केस इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 1 मीटर, फॉर दैट केस ये अगर सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को ले रहा हूं मैं, बराबर, तो ये केस में ये 1 1 कैंसिल और रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो यहां से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 1 मीटर लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टिविटी, बराबर. ये हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो यहीं से यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी नथिंग बट यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन यूनिट ऑफ लेंथ. तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू एसआई यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन एसआई यूनिट ऑफ लेंथ. रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट हमें पता है, ओम्स है, डिनोट इससे होता है. एसआई यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मीटर है, ये मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गए, ओम मीटर. तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट जो है वो ओम मीटर हो गया. होप इट्स क्लियर. तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. Now this formula is very important. Based on this formula, we can solve many numericals. Okay, so just memorize this properly. अब आते हैं और कुछ बातों पर कि resistivity तो वैसे यहाँ पर area को directly proportional, यहाँ पर length को directly proportional, but ये चीज नहीं चलेगा यहाँ पर. Resistivity length और area पर depend नहीं करता. Resistivity material constant है. It is a material constant, so it will only depend upon material. Although formula में we can see if the value changes, obviously it has to change. But again, you remember that resistivity is a material constant. It will only depend upon the materials. So it is independent of area of cross section and length of the conductor. All right. अब इस पे सवाल कैसे आते हैं? तो कुछ सवाल बड़े आसान आते हैं. कभी-कभी बोर्ड वालों ने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिए थे 3 नंबर के लिए. वो ऐसा मैंने एक सवाल मैंने भी फ्रेम किया. देखते हैं. तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि कंडक्टर और अलॉय जो होते हैं उसमें रेजिस्टिविटी का वैल्यू कैसे होगा. तो रेजिस्टिविटी के वैल्यू जो होते हैं ना वो 10^-8 में होते हैं अगर कंडक्टर है या एलॉय है. तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, 10^-8 के टर्म्स में होगा. अगर सेमीकंडक्टर है तो 10^0, सेमीकंडक्टर 10^ एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, मतलब कुछ नंबर होगा सीधा, पावर वाला फैक्टर नहीं रहेगा. अगर इंसुलेटर रिप्रेजेंट हो रहा है तो इंसुलेटर का क्या होगा, 10^10, 10^10 to 10^17 इसके बीच में होगा वैल्यूज. किसका, इंसुलेटर का, क्या, रेजिस्टिविटी. तो सवाल ऐसा आया था एक बार कि भाई एक मटेरियल ए है उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू इतना है, मटेरियल बी है उसका रेजिस्टिविटी वैल्यू इतना है, और मटेरियल सी उसका रेजिस्टिविटी वैल्यू इतना है. तो बताइए इसमें से कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है और कौन सा सेमीकंडक्टर है. तो आपके हिसाब से
ये 10 टू द पावर 0 बना तो ये 1 ना, तो दिस विल गो एज अ सेमीकंडक्टर. 10 टू द पावर 15, 10 टू 17 वाला ये वाला रेंज है प्लस वाला, तो दिस विल गो इन द इंसुलेटर. और ये 10 टू द पावर माइनस 8 ये किसमें जाएगा, अपना कंडक्टर में जाएगा. तो वो सिर्फ मेंशन ही कर रहा था कि भाई एक जो है वो सेमीकंडक्टर है, दूसरा जो है वो इंसुलेटर, और तीसरा जो है वो कंडक्टर है. और इसके लिए आपको पूरे 3 नंबर मिलते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिस्टिविटी, होप इट इज क्लियर. पूरा इसका डेरिवेशन बराबर याद करना है, या तो इसका डेरिवेशन है, उसका डेफिनेशन बराबर है, उसका यूनिट है, वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता है वो चीज. और यहां पर एक एग्जांपल,